I had come to Delhi to meet many of my aspirants of IAS mains in English literature, and Selva Ganpati, who is doing his PhD from the university, that is Jawaharlal Nehru University. So we had a word with him, and yes, he wishes to have some descriptions regarding his preparation, his journey, and he wants to convey to the Pan India students about his journey, about how he is managing his course, about what he wishes to tell the students of IAS Optional. Welcome, Selva. And I am really happy that during the COVID period, the students Pan India, they have studied online under my guidance. But it is always true that offline is something where is there is called human touch. So I felt that that human touch when you met me for the first time, and that inspiration, that motivation, that feeling of love and affection for your professor, it is on your face. और हमें ऐसा फील होता है कि ऑफलाइन में जो टच है वो बहुत जरूरी होता है, इसीलिए समय समय पे मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों से मुलाकात भी हो जाए. तो सेल्वा, बहुत अच्छा लगा कि आप मिलने आए. तो आपकी जो जर्नी रही है पोर्ट ब्लेयर से लेकर के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक, आप हमारे बच्चों को, पैन इंडिया बच्चों को जो बहुत परेशान होते हैं, उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं मिलते हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में विस्तार से बताएं. नमस्कार सभी को. सर ने कहा कि मेरा नाम सेल्वा गणपति है और मैं आके पोर्ट ब्लेयर से आया हूँ. मैं इधर आके सेल्वा, थोड़ा सा आपको साउंड, आपकी वॉइस पिच थोड़ी सी. मैं अंडमान निकोबार आइलैंड का हूँ. मैं इधर आया हूँ 2015 में पीएचडी करने के लिए, एमफिल पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से. इससे पहले मैं जो है मेरा जो यूजी जो हुआ है, यूजी जवाहरलाल राजकीय महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर में बी इंग्लिश लिटरेचर, और एमए जो अन्नामलई यूनिवर्सिटी से एमए लिंग्विस्टिक्स किया हूँ. उसके बाद ही मैं एंट्रेंस क्लियर करके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एमफिल पीएचडी के लिए आया हूँ. अभी एमफिल पूरा हो गया और पीएचडी कंप्लीट होने वाला है, सबमिशन होने वाला है. यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा सेल्वा, कि जैसे कि आपने एमफिल किया जेएनयू से, एंट्रेंस पास किया, और उसके बाद आपने पीएचडी किया, पीएचडी बहुत समय लग गया, तो क्या आपको कभी लगा नहीं कि हम यूजीसी नेट भी कर लेना चाहिए, या आप आईएएस के लिए ही केवल तटस्थ थे कि नहीं हमें तो भाई देखो केवल आईएएस करना है. सो ये जो सोच है ये बहुत बेहतर होती है कि हमें एक चीज को करना है, और यही रीजन है कि सेल्वा के माध्यम से हम ये बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि मैं खुद भी कहता हूं कि ऑलवेज सेल ऑन वन बोट. अगर आपके पास प्लान ए है तो प्लान बी नहीं होना चाहिए, बिकॉज द एनर्जी ऑफ प्लान ए इफ गिवन टू प्लान बी देन नीदर प्लान ए विल हैपन नॉर प्लान बी हैपन. सो दिस स्टूडेंट हैज एक्चुअली डन द सेम थिंग दैट ही गॉट इनटू द सिस्टम एंड ही स्टिल रिमेंस फॉर आईएएस. एम आई राइट? यस. तो वही चीज थोड़ा सा बच्चे आपके से सुनना चाहते हैं कि इतने वर्षों में भी आपने नेट का प्लान ना करके आप एकदम आईएएस के लिए जुटे रहे. मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि सर जैसे कहा कि प्लान ए है और रहते वक्त प्लान बी रहने नहीं चाहिए, और हम लोग जो प्लान ए के तरफ से, हम लोग जो गोल की तरफ से मूव करने से बहुत अच्छा होगा. जैसे मैंने एमफिल पीएचडी से अभी साल मेरा जो है कम से कम 7 साल के ऊपर निकल गया है. यही 7 साल में हमारा तैयारी में लगा हुआ था, शायद अभी तक मैं हो गया होगा. अभी भी सर जो है गाइड कर रहे हैं और टच में रहते हैं, बार बार महीने में एक दो बार तो कॉल करके ही कैसा चल रहा है, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, नोट्स कैसा है समझ रहा है पूछ रहे हैं. और नोट्स को भी मैंने देखे पूरा, एक राउंड हो गया है, एक बार रिविजन करके देख लिया है, और नोट्स में जो भी डाउट होने से पूछ लेता हूँ सर से, सर बता रहे हैं. आपको ये पूरा जो स्टडी मटेरियल, आपने कहा कि आप दो बार गो थ्रू हो चुके हैं, आपको कैसा लगा, मतलब हाउ डिड यू फील? कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ऐसे इंडिया में जिनके पास नेटवर्क इशू नहीं होता, तो वो हमारी क्लास नहीं ले पाते हैं, तो उन बच्चों तक स्टडी मटेरियल कितना काम का है अगर उनको क्लास नहीं मिलती है, तो आपको लगता है कि स्टडी मटेरियल इज इनफ, इट हैज सो मच ऑफ पोटेंशियल? यस यस यस. हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसा हमारा जैसे अंडमान निकोबार के बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, बहुत सारे आईलैंड में, हमारा इसमें वाईफाई का तो छोड़िए नेट कनेक्शन, इंटरनेट
नेटवर्क भी नहीं मिलेगा और चलने से भी ओनली वो इंटर आइलैंड में सब BSL ओनली चल रहा है और एयरटेल का भी नहीं चलेगा, उस तरह सुविधा बहुत कम होती है उस तरह इलाका में रह के आप नेट चला के फिर देखना और करना तब बहुत दिक्कत की बात है। ऐसे में वो आपको हार्ड कॉपी ऐसे में जो हमारा जो OSN का एकेडमिक का जो मटेरियल्स है वो बहुत यूजफुल होता है, गो थ्रू कर सकते हैं, अंडरलाइन करके रख सकते हैं, जो डाउट लिख के रख सकते हैं, बाद में जब भी जैसे फोरवेयर जैसा एक मेन सिटी में आ जाते हैं तब नेटवर्क मिलेगा तब सर से कम करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं उसके हिसाब से। अब आपका आगे क्या प्लान है, क्योंकि यहाँ से PhD करने के बाद आप फोरवेयर वापस जा रहे हैं और प्री की तैयारी शुरू कर देंगे 2023 के लिए। सर 2023 के लिए आपने अब क्या सोचा हुआ है, जो 2023 के बच्चे या 24 के बच्चे पढ़ रहे हैं या आपको देखेंगे, कि अब आप जाकर के मेंस की तैयारी पहले करेंगे, जो हमारी क्लासेस आपकी चल रही है वो आप उसको पढ़ेंगे अच्छे से और हमारे टच में रहेंगे, और बच्चों को और क्या बताना चाहेंगे क्लासेस के बारे में कि आपने क्लासेस कैसी लगी, क्या लगी, बच्चों को थोड़ा मार्गदर्शन हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मटेरियल है उसको एक दो बार तीन बार कितना बार गो थ्रू करेंगे उतनी अच्छा है, और उसके अलावा जो है अभी मैं अभी जा रहा हूँ सबमिशन करके PhD सबमिशन के बाद आफ्टर सबमिशन मैं पोर्टवेयर जाऊंगा, उधर में जो भी इंटर आइलैंड मुकाई में भी मैं रहूंगा, उधर ही प्रिपेयर करते रहूंगा, ये लेके प्रिपेयर करूंगा कि प्री का करके नहीं मेंस के लिए प्रिपेयर करूंगा। फर्स्ट जो हमारा जो मेंस के गोल रख के प्रिपेयर करना, अच्छे से प्रिपरेशन होने पर फिर प्री का भी उसी में प्रिपरेशन हो ही जाता है आखिर में, फिर एक बार देख के आ दो। अभी जो हमारा जो मेन गोल जो है हम प्री के लिए प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट मेंस के लिए करना चाहिए, प्री अपने आप निकलने के चांसेस बहुत है। देखिए प्री की तैयारी जैसा कि सेल्वा ने कहा, ये बात हम इन बच्चों से कहते हैं कि मेंस की तैयारी पे कमांड करिए, प्री की तैयारी को शुरू में हल्के में रखिए, उसके बाद इसको रिवर्सल कर दीजिए कि व्हेन यू हैव द कमांड इन योर सब्जेक्ट देन यू पुट 100 योर प्रेशर इन योर प्री, सो दैट व्हेन यू क्वालिफाई योर प्री आपको ये बात का कॉन्फिडेंस रहे कि हमारा मेंस तो तैयार है। फाइन, और कोई ऐसी बातें आप बच्चों को शेयर करना चाहेंगे जो बच्चे नहीं समझ पाते, या आपके इतने बड़ी जर्नी के, वो भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आप पढ़ करके आप वापस जा रहे हैं और मेरे ख्याल से आपको इतने महीने हमसे भी पढ़ते हो गया, और बच्चों इन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था और आज किस्मत देखी कि सो मेनी स्टूडेंट्स केम टू मीट मी एंड ही केम फ्रॉम JNU, तुरंत हॉस्टल से भाग के बच्चा आया हमारे पास, और द ओनली थिंग इज दैट व्हाट आई एम गिविंग यू दिस टाइम इज मोटिवेशन। अपने प्रोफेसर से मिलने से सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अ स्टूडेंट बिकम्स मोटिवेटेड कि नहीं मेरे साथ सर मेरे साथ हैं, और अब हमारी जो एनर्जी लूज हो गई थी वो बूस्टअप हो गई, और मैंने इसे कहा है कि यू क्वालिफाई योर प्री एंड देन यू कम टू माई ऑफलाइन सेंटर वेयर आई विल ट्रेन यू दैट हाउ टू राइट आंसर्स एंड बिफोर दैट यू कम्प्लीट योर प्री एंड क्वालिफाइड प्री। सर से मिलकर एक एनकरेजमेंट मिला है, हाँ सर हमारा साथ है, गुरु हमारा साथ है, ऐसी भी मैं अलग मीडियम से पढ़ गया, मैं तमिल मीडियम का स्टूडेंट हूँ, और इसीलिए आप बच्चे देख रहे होंगे कि इनकी इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा बहुत फ्लुएंसी नहीं है, सोचिए इनके अंदर इतना जज्बा है, इन्होंने कहा कि सर हम आपके लेक्चर्स को देख के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, और जब आप उससे दूसरी बार मिलेंगे तो आपको मिलेंगे कि मेरी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो गई है। और हमने इनको एग्जाम्पल दिया, बल्कि पूरा देश जानता है कि कैटेगरी में हमारे देश की नंबर वन टीना डाबी मैम ने टॉप किया, तो मैंने कहा यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम बिकॉज यू बिलोंग टू द कैटेगरी, सो इट इज अ ब्लेसिंग इन फैक्ट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हू बिलोंग टू द कैटेगरी कि भगवान ने आपको ये नियामत दी है कि आप उस लेवल पे मेहनत करें कि आप रैंकर हो जाएं, am I right? तो I have 100% faith in you because you are a JNU student, तो आप अपने JNU के प्रोफेसर्स को, हमको, अपने पेरेंट्स को जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए, और इन्होंने अपनी स्टोरी बताई, बहुत वैसी दर्दनाक स्टोरी थी कि इनका घर जब तमिलनाडु में जब 80 के द्वारा जो कास्टिज्म होता, राइट्स होता, तब
जो अपर कास्ट के लोग जो है हमारे बस्ती को पूरे गांव पर जला दिया, पूरे गांव पर जला दिया था। तब मेरे पेरेंट्स जो है माइग्रेट हो गए, माइग्रेट कर गए थे पोर्ट ब्लेयर। हाँ, वो में जाके जो पत्थर के क्वारी पे काम करके हमको, मतलब दे वर्क्ड एज अ लेबरर एंड स्टिल दे आर सेंडिंग सेलिंग वेजिटेबल्स एंड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। एंड ये बच्चा उन पेरेंट्स का है जो वहां से निकल करके जेएनयू तक पहुंचा है। मेहनत हमेशा रंग लाती है, मेहनत रंग लाती है। एंड द सेकेंड थिंग इज डायरेक्शन। मेहनत आप करते रहिए, डायरेक्शन अगर आपके पास नहीं है, किसी मेंटोर का आपके पास गाइडेंस सही नहीं है, तो आपका जो हार्ड लेबर है बच्चों, वो गलत डायरेक्शन में चला जा रहा है। आपको तो ऐसा लगे कि आप मेहनत कर रहे हो, बट इट इज डायरेक्शन लेस। सो विद दीज वर्ड्स आई स्टिल आई एम सो हैप्पी दैट यू केम टू मीट मी, एंड द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग मी, दे विल बी बेनिफिटेड एंड दे विल फील मोटिवेटेड कि अ स्टूडेंट फ्रॉम सच अ प्लेस has been journey to the JNU and he hopes to be a star someday. So why not me? So IAS English Literature एक ऐसा subject है जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, because the syllabus is very much defined and if OSN is with you then there is no limit to the sky.